ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में सिवियर हीट वेव भी चल रही है और पानी का क्राइसिस भी चल रहा है, लेकिन इस सब के दौरान ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग पानी की पाइपलाइन तोड़कर इस पानी की कमी को और बदतर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। कल जो साउथ दिल्ली की राइजिंग मेन्स है, जो पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से आती है, पूरे साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करती है, कल उस पानी की पाइपलाइन में लीकेज हुई। उस लीकेज और काफी सिवियर लीकेज हुई, आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लीकेज वहां पे हो रही थी। जब हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये पता चला तो रिपेयर के लिए टीम भेजी गई। वहां ये पाया गया कि बहुत बड़े बड़े बोल्ट, 12 इंच के बोल्ट, चार चार पांच पांच सेंटीमीटर लंबे बोल्ट को काट कर वहां पर छेद किया गया था पाइपलाइन में। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है, और मैंने इसी संदर्भ में आज पुलिस कमिश्नर को लेटर भी लिखी है, मेरी पुलिस कमिश्नर से बात भी हुई है कि जो हमारी मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं, उन पानी की पाइपलाइंस को पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी जाए। इससे पहले भी सोशल नेटवर्क ओपन नहीं सकते, इस बारे में क्या अब तक कुछ तहकीकात हुई, कुछ पता चला कौन से लोग इसके पीछे क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी ये तो जग जाहिर है कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा होगा, लेकिन ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये गंदी राजनीति का समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जहां पे दिल्ली में बहुत पानी की किल्लत है। आज आप वजीराबाद पॉइंट पर जाएंगे जहां पर यमुना का पानी आता है, वहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुनक कनाल में भी पानी की कमी है। इसके कारण दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कम पानी जा रहा है और दिल्ली में कम पानी प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जब पानी का प्रोडक्शन ही घट जाएगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिक्कत होगी। लेकिन अगर उस परिस्थिति में ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे तो जो दिल्ली वाले पहले ही परेशान हैं उनको और परेशान किया जा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ, और मेरी जो पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, बहुत पॉजिटिव और बहुत कोऑपरेटिव थे वो, तो उन्होंने कहा है कि जो जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं वहां पर पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी। बीजेपी आज आपको लेकर है कि आप लोगों ने ठीक से मैनेज नहीं किया, उसके कारण दिल्ली के हिस्से की प्रॉब्लम दिल्ली को झेलनी पड़ रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी और मुझे और अरविंद केजरीवाल जी को गाली देके संतुष्टि मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे नफरत करते हैं, लेकिन वो हमसे नफरत करते करते अब दिल्ली वालों से भी नफरत करने लगे हैं, क्योंकि आखिरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर एक बार वो हरियाणा की सरकार से बात करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की सरकार पानी छोड़ेगी। हम तो इस पे बहस भी नहीं कर रहे कि किसके हिस्से में कितना पानी है, लेकिन आज दिल्ली में पानी की कमी है। आज वजीराबाद पॉन्ड, जिससे यमुना का पानी एंटर करता है, वो बिल्कुल खाली है। आज मुनक कनाल में पूरा पानी नहीं आ रहा। आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रॉ वाटर ही नहीं सप्लाई हो रहा, तो पानी की सप्लाई कहां से आएगी दिल्ली वालों के पास? तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि आरोप प्रत्यारोप करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये समय है दिल्ली वालों के लिए मिलकर काम करने का। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी यही आग्रह करूंगी कि वो हरियाणा में अपनी सरकार से बात करें और दिल्ली को कुछ और पानी दिलवाएं। आज आपके कुछ इंटरव्यू करना चाहिए इस मामले में? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, ये इंटरस्टेट मैटर है, इसमें दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, हिमाचल की सरकार, सब लोग शामिल हैं। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं करेगी तो समस्या नहीं सुलझ पाएगी। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की नियत ही नहीं है काम करने की। उनको यदि प्रेस वार्ताओं से फुर्सत मिले तो वो ग्राउंड पे काम करे, और दिल्ली का प्यासा मरना दिल्ली वासियों की नियति ना बने। आप भी जानते हैं कि 600 करोड़ रूपये के प्रॉफिट में था दिल्ली जल बोर्ड 2013 में। केजरीवाल जी के शासन में मात्र एक दशक में 73,000 करोड़ रूपये के घाटे में आ गया है दिल्ली जल बोर्ड। यहाँ ये भी नहीं, अगर आपने देखा होगा सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका में जिसमें दिल्ली सरकार ने वो याचिका फाइल करी थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर फटकार लगाई है कि इलीगल टैंकर माफिया को नियंत्रण करने में आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कोर्ट ने कि वाटर वेस्टेज के लिए आप क्या कर रहे हैं।
40% से ज्यादा पानी दिल्ली का या तो इलीगल टैंकर माफिया चुरा के ले जाता है या वाटर वेस्टेज होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार दोनों चीजों पर नियंत्रण नहीं करना चाहती और इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। दिल्ली सरकार आतिशी ने आरोप लगाया कि पहले हरियाणा उनको पर्याप्त पानी दे रहा, हिमाचल पानी दे रहा, लेकिन अब सबसे बड़ा आरोप लगाया कि जो लीकेज बीजेपी ने वीडियो जारी किया था उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, पहले लीकेज पाइपलाइन लीकेज करवा रहे हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं। गुमराह करना जनता को इनकी पुरानी आदत है, अपने निकम्मेपन पर आवरण डालने का नया बहाना ढूंढा है। आप ये देखिए, पहले ये कह रहे थे कि हरियाणा पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा, आप भी जानते हैं कि अग्रीमेंट से ज्यादा पर्याप्त पानी हरियाणा छोड़ रहा है। अरे जब दिल्ली के पानी की प्रोसेसिंग पावर ही 990 MGD है और 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा छोड़ रहा है, तो अतिरिक्त पानी का दिल्ली सरकार मांग क्यों कर रही है? इलीगल टैंकर माफिया के लिए?